कुछ खबरों पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, जैसा कि इस खबर के साथ है। इस स्टोरी का थंब और टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, मतलब आपको भी इस बात की जिज्ञासा वीडियो देखने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये मामला है क्या। तो चलिए आपको मामला बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। वैसे तो आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्टेटस सिंबल भी बन गया है। कई लोगों के लिए आप तभी कूल और अमीर होते हैं जब आपके पास आईफोन हो। इस चक्कर में, इस शो ऑफ के चक्कर में, बल्कि दिखावे के चक्कर में कुछ लोग आईफोन खरीदने के लिए उधार लेते हैं, तो कुछ ईएमआई पे आईफोन खरीदते हैं। वैसे सोशल मीडिया पर भी वक्त वक्त पर मीम्स वायरल होते हैं जिनमें आईफोन खरीदने के लिए किडनी और जिस्म के अलग अलग हिस्सों को बेचने का मजाक किया जाता है। लेकिन बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक दंपत्ति ने कथित रूप से आईफोन खरीदने के लिए अपना बच्चा बेच दिया। असल में रिपोर्ट के मुताबिक मामला नॉर्थ 24 परगना जिले के गांधीनगर इलाके का बताया गया है। यहां रहने वाले आरोपी दंपत्ति का एक 8 महीने का बेटा है और उन पर उसे 2 लाख रुपए में बेच देने के आरोप है। और ये भी आरोप है कि बच्चा बेचने के बाद उस हस्बैंड वाइफ ने, उस कपल ने मिलकर एक आईफोन खरीदा और बचे हुए पैसों से शॉपिंग करी और घूमने गए। इतने ही नहीं, जहां वो घूमने गए थे उन पर आरोप है कि उसी पैसों से खरीदे हुए आईफोन से उन्होंने वहां पर रील्स भी बनाई हैं। इंडिया टुडे से जुड़े हुए हमारे संवाददाता दीपक देवनाथ की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पति जयदेव चौधरी और उनकी पत्नी साथी चौधरी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और रविवार 23 जुलाई को साथी का अपने सास ससुर से विवाद हो गया। बहू से विवाद के बाद मारपीट के भी आरोप लगे और पुलिस ने सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने देखा कि जो साथी है, मतलब जो बुजुर्ग दंपत्ति की बहू थी साथी और बच्चे की माँ जिस पर आरोप है बच्चे को बेचने का, उसके हाथ में महंगा फोन था। उन्हें शक हुआ। पड़ोसियों ने गौर किया कि दंपत्ति का जो बच्चा है वो भी कई दिनों से नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने इस बारे में कपल से पूछा लेकिन कोई भी उन्हें सीधा जवाब नहीं दिया गया। इधर पुलिस आरोपी महिला के ससुर कानाई चौधरी से पूछताछ कर रही थी, तो पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उनका जो बेटा है जयदेव चौधरी वो फरार है। कानाई चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा और बहू उन पर अत्याचार करते थे। इतना ही नहीं, कानाई ने जब बच्चे के बारे में पूछा तो बेटे और बहू ने उन्हें बताया था कि जो बच्चा है वो उनकी बहू यानी कि साथी जो है उसके मायके में है। अब रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि कुछ बातों से कानाई को शक हुआ कि बच्चे को उन्होंने कहीं बेच दिया है, ये बात उन्होंने पुलिस को बताई। पूछताछ के बाद बहरहाल कानाई चौधरी को तो पुलिस ने जाने दिया और उनकी पत्नी कानाई चौधरी उनकी वाइफ को तो पुलिस ने जाने दिया। इसके बाद साथी चौधरी जो कानाई चौधरी की बहू थी और 8 महीने के बच्चे की माँ जिसके ऊपर आरोप है बच्चा बेचने का, साथी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि दोनों पति पत्नी ने बच्चे को बेच दिया है, लेकिन इसकी वजह जो उन्होंने पुलिस को बताई सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो वजह। आरोपी ने बताया कि उन्होंने इस पैसे से आईफोन खरीदा और कई इलाकों में घूमने गए और इंस्टाग्राम पे उसी फोन से रील्स भी बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे को पास ही के इलाके के इलाका है खरदा, वहां पे रहने वाली प्रियंका घोष ने खरीदा था। पुलिस ने हालांकि प्रियंका को पकड़ लिया है और इस मामले में स्थानीय पार्षद तारक गुहा ने बताया है, बच्चे को बेचने के बाद जयदेव शनिवार यानी कि 22 जुलाई रात को अपनी 7 साल की बेटी को भी बेचने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल बंगाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी जो फरार जो 8 महीने का बच्चा है उसके जो फरार पिता है जयदेव उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।